यास तूफान को जहानाबाद से गुजरे कुछ दिन बीत गए हैं, लेकिन उस तूफान ने जो तबाही मचाई उसके मंजर अभी भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जहानाबाद के एरोड्रम जाने वाले रास्ते की है। आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको कुछ अजीब जरूर लग रहा होगा। आखिर इस रास्ते पर मिट्टी का इतना बड़ा टीला क्यों है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है? तो हम आपको बता दें, इस मिट्टी के टीले की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि नीचे जो आप पानी की धार बहते देख रहे हैं, वो धार कुछ दिन पहले लगातार हुई बारिश की वजह से इतनी तेज हो गई थी कि उस पानी के धार ने मिट्टी को पूरी तरह से काट दिया था और सड़क कटकर दो हिस्सों में बट गई थी, जिसकी वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वाहनों के लिए तो जैसे ये रास्ता पूरी तरह से बंद ही हो गया था। अभी भी पानी का बहाव कितना तेज है, ये आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो सोचिए, जब दो दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हुई होगी, तब पानी की धार कितनी तेज रही होगी। उस तेज धार ने रास्ते को काट डाला। मिट्टी कटाव होने की वजह से रास्ते पर आवागमन खतरनाक हो गया था। लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसके बाद इस रास्ते पर मिट्टी भराव का काम किया गया है। मिट्टी डालकर रास्ते को आवागमन के लायक बनाया गया है। ऐसा ही कुछ हाल हमने आपको दर्धा नदी पर बने डायवर्सन दिखाया था। आपको वो तस्वीरें देखनी है तो इस वीडियो के अंत में जो वीडियो लिंक आएगा उस पर क्लिक करके आप जरूर देखें कि तूफान की तबाही का क्या मंजर जहानाबाद में देखने को मिला था। इन तस्वीरों को भी देखकर आपको अनुभव हो गया होगा। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा उर्फ गप्पू की रिपोर्ट। बाद में रात है, तारा किसान के गोदाम के बगल में ये बारिश हो रहा था। 27 तारीख को उसी दिन बारिश में छूट गया, आवाजाही दिक्कत हो गया। यहाँ पर पूरा पानी लगा था, गाड़ी नहीं आ जा रहा था, उसमें जाम लगा था। मोटरसाइकिल से भी जाते, गाड़ी उड़ी आता है।